आइए सीधी बात करते हैं। गमोरा का पैच नोट आ चुका है, गमोरा का टीयर 4, ग्रूट का टीयर 3, और क्या कैरेक्टर लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है वो भी बताऊंगा। साथ में इनके जो यूनिफॉर्म्स हैं वो यूनिफॉर्म्स मस्ट बाय है या नहीं है, या काम के नहीं है या यूज़लेस है वो भी बताऊंगा। तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो गमोरा का यूनिफॉर्म है ये 1050 का पड़ेगा, ना कि 875 का। तो क्रिस्टल स्पेंड करने से पहले 100 बार सोच लेना। उसके बाद में गमोरा की जो लीडरशिप है वो लीडरशिप 60% का फिजिकल अटैक है स्पीड टाइप के कैरेक्टर्स के लिए, और पहले 55 दे रही थी, अभी 60 दे रही है, तो सिर्फ 5% का इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 5% का। उसके बाद में पैसिव, पैसिव की बात करूँ तो पैसिव में डिक्रेस रिकवरी रेट और बाकी का दिया हुआ है। स्किल नंबर 2 की बात करूँ तो सुपर विलन फैक्शन 45-45 सुपर हीरो और सेल्फ है, तो इसका हम लोग सपोर्ट कैरेक्टर में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका सेल्फ है। स्किल नंबर 1 और 2 में ज़्यादा कुछ खास दिया हुआ नहीं है। स्किल नंबर 3 की बात करूँ तो 1% का अक्यूमुलेशन दे रखा है, 100% चांस टू पेनेटेड है, और 80 के इंक्रीज करने वाले कुछ बोनसेस दे रखे हैं, नाइस। स्किल नंबर 4 की बात करूँ तो पेनेट्रेशन दे रखा है और छोटे मोटे बोनस है, और स्किल नंबर 5 की बात करूँ तो इनविंसिबल दे रखा है, 80 के इंक्रीज करने वाले बोनस है, स्टन इफेक्ट है, इनविंसिबल है, और 60% चांस टू मिसिंग अटैक, मतलब बहुत माइनर से बोनस दे रखे, छोटे छोटे मिनिमम। ग्रूट की बात करते हैं, रही बात ग्रूट की, तो ग्रूट का यूनिफॉर्म 1050 का है। ग्रूट का यूनिफॉर्म अगर नीड है तो ही लेना, नहीं तो ग्रूट का जो यूनिफॉर्म है वो 60% का, ग्रूट का रिकवरी 60% का है, और इसको रिवाइव भी दे दिया गया है पैसिव में। और टीयर 2 बोनस की बात करो तो टीयर 2 बोनस में गार्डन ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स के लिए बॉस टाइप डैमेज डील करेगा 40%। तो ये जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए बोनस दे रखा है, ये बोनस तभी वर्क करेगा जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक कैरेक्टर, कम से कम मिनिमम 1 कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ में होगा। यानी स्टार लॉर्ड को टीयर 4 करना पड़ेगा या फिर गमोरा को टीयर 4 करने के बाद में जो परफॉर्मेंस निकलेगा उसके साथ में जो जो डैमेज डील करेगा बॉस टाइप के अगेंस्ट में 40%, जैसे सिफ को है वैसा ही ये वर्क करेगा, और 20% का रिकवरी भी देगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर को। तो ये बहुत बढ़िया है, बट कन्फ्यूजन ये है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कोई एक मेन कैरेक्टर चाहिए यूज़ करने के लिए ताकि उसका अच्छा सा परफॉर्मेंस निकाल सके, नहीं तो बहुत ज़्यादा बेकार साबित होगा वो बोनस अगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कोई मेन कैरेक्टर अगर यूज़ नहीं करेंगे तो। स्नेयर इफेक्ट दे रखा है, स्टन इफेक्ट है, उसके बाद में स्नेयर इफेक्ट है, और अक्यूमुलेशन दे रखा है 1% का। स्किल नंबर 4 की बात करें तो 80 के इंक्रीज करने वाले बोनसेस है, पैरालिसिस है, डिक्रेस ऑल बेसिक डिफेंस है, एंड नीचे की तरफ में स्टन इफेक्ट है, फियर इफेक्ट है, स्नेयर इफेक्ट है, और 20% का रिकवरी दे रखा है 1 सेकंड के लिए। तो ग्रूट के पास में खुद का हीलिंग भी है, रिवाइव भी है, 20% का रिकवरी भी है, और स्किल नंबर 5 में भी 20% का रिकवरी है, और इसका जो एनिमेशन है वो एनिमेशन इसको रिकवरी प्रोवाइड करता है वुल्वस अल्टीमेट में लेजेंड में वो नहीं पता, वो भी प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखना पड़ेगा नए वाली यूनिफॉर्म को, तो उसके लिए टाइम लगेगा टेस्टिंग के लिए। लेना है तो ले सकते हो, लेकिन एडम वॉरलॉक आने वाला है तो क्रिस्टल बचा के चलो। मेरी तरफ से यही एक ओपिनियन रहेगा कि क्रिस्टल बचा सकते हो तो बचाओ, ठीक है। एडम वॉरलॉक आने वाला है क्योंकि 2 को टीयर 4 दे दिया और इसको टीयर 3 दे दिया ग्रूट को, तो बचा कौन? एडम वॉरलॉक। तो एडम वॉरलॉक आने वाला है तो बचा के चलना। अभी गमोरा का टीयर 4, गमोरा का टीयर 4 की बात करूँ तो गमोरा जो टीयर 4 है वो रिकवरी दे रखी है 10% का, चेरिट डैमेज दे रखा 50% का, जो कि मेरे हिसाब से उतना वर्दिट टीयर 4 नहीं है, एक तरीके से मैं कहूँगा ट्रैश है, बिकॉज स्टारलॉर्ड को भी कुछ ऐसा ही सेम सिमिलर टीयर 4 दिया गया है, तो एक तरीके से मैं बोलूँगा ट्रैश है। एट्टी परसेंट का
पेनेट्रेशन दे रखा है, ये 8 सेकंड का इनविंसिबल है और एटी के इंक्रीज करने वाले बोनस है 50% 10 सेकंड्स के लिए। तो ग्रूट का टीयर 3 काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक है, नॉर्मल जैसा प्लेयर्स का बाकी प्लेयर्स का होता है टीयर 3 स्किल वैसा ही है। स्टन इफेक्ट है, बाकी कुछ दिया हुआ नहीं है एक्स्ट्रा बफ या बोनस। ग्रूट की एनिमेशन की बात करूँ तो ग्रूट का एनिमेशन काफ़ी बढ़िया है। डैमेज इसका देखना पड़ेगा कैसा निकलता है, 354 543 जो भी इसका होगा वो देखना पड़ेगा टेस्ट करके कैसा परफॉर्म करेगा। इसके स्किल्स में अक्यूमुलेशन दे रखा है स्किल नंबर 3 में और 4 3 4 5 अगर करते हैं तो 5 के एनिमेशन में इसका डैमेज जाना चाहिए, 3 4 5 करना पड़ेगा ग्रूट का। तो उसका ग्रूट का एनिमेशन पता चलेगा कल, अपडेट आएगा 12:30 बजे, तो तब कल चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं कुछ फालतू के पैकेजेस है तो वो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। और ये जो 1500 क्रिस्टल में जो गमोरा 6 स्टार टीयर 2 मिल रही है, ये गलती से लेना मत, गलती से परचेस मत करना, डोंट बाय दिस। गमोरा और ग्रूट दोनों फ्री के कैरेक्टर है, गलती से क्रिस्टल स्पेंड मत करना, ठीक है, गलती से स्पेंड मत करना, डोंट परचेस दिस पैक, रिमेंबर डोंट परचेस। कोई और लेने वाला होगा तो उसको मना कर देना, बाय करने से मना करना। पसीना बहुत आ रहा है, मेरा हाथ पूरा गीला हो गया पसीने से, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, कसम से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा पसीना। गमोरा का यूनिफॉर्म अगर ऑलरेडी पुराना वाला है, तो उससे काम चल सकता है, ऐसा नया वाला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुराने वाले से काम चल जाएगा। और जिनके पास में अगर गमोरा का पुराना वाला यूनिफॉर्म भी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है गमोरा का, तो गमोरा यहाँ पर मैं वर्दित रहेगी, फिर गमोरा वर्दित रहेगी, तो फिर गमोरा जाके जो है गमोरा का नया वाला यूनिफॉर्म लेटेस्ट यूनिफॉर्म परचेस कर सकते हो। एडम वॉरलॉक के लिए क्रिस्टल बचा के रखना, एडम वॉरलॉक आने वाला है तो उसके लिए क्रिस्टल ज़्यादा लगेगा, 5280 का पैक और 1750 का उसका यूनिफॉर्म पकड़ लो तो 7000 के क्रिस्टल के आसपास उसको लगेगी, तो कीप सेविंग योर क्रिस्टल्स प्लीज़।